Hello everyone, myself Rakhi Srivas and I belong from MP. I have done BSc with Mathematics and also done MCA. I have 7 years of teaching experience. Now I am currently working as an assistant professor in MCA department and reasoning and aptitude trainer in CDC in Gitanjali College, Dabhok, Udaipur. तो दैट्स ऑल अबाउट मी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट्स लिए हैं जो कि मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस में कवर करवाऊँगी. तो हम देखते हैं सबसे पहले ये कंटेंट्स. यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सी. क्लियर? मैं यहाँ से पेन ले लेती हूँ. ओके, यस, इंट्रोडक्शन ऑफ सी. यहाँ पर मैं आपको कवर करवाऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देन उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. देन फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. देन उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं. फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. सी का प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं हम, उसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे. ओके, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे मैं आपको कवर करवाऊंगी बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी. यहाँ से बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी में हम लेंगे कैरेक्टर सेट्स, टोकन्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स बताऊंगी कैसे हम सी लैंग्वेज में कमेंट्स देते हैं. और इसमें टू टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन्स. ओके, फिर नेक्स्ट है डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं सी में, वो टॉपिक भी मैं आपको कवर करवाऊंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड फिर टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग आपने नाम सुना होगा, जिसमें टाइप कन्वर्जन भी इसे हम कह सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं सी में. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये है ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं. और कंट्रोल स्टेटमेंट. कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, इफ, इफ एल्स, स्विच, गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये सब हैं आपके कंट्रोल स्टेटमेंट. ये मैं आपको कवर करवाऊंगी. देन उसके बाद मैं आपको लूप्स में व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप्स कवर करवाऊंगी. ओके, देन उसके बाद में हम टॉपिक लेंगे हमारा अरे. अरे एंड सी क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगी. फिर स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर भी है सी में. एंड यूनियन. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंटर्स. तो ये हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. इसके अलावा अगर कुछ और रह जाता है तो वो भी मैं ले लूँगी. क्लियर? तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, यहाँ से मैं पेन चेंज करती हूँ. यहाँ पे आपको स्लाइड पे शो हो रहा है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, सी लैंग्वेज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि सी आपकी बेसिक लैंग्वेज ही है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होती है, जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं. ओके, वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर. तो यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है. बट लैंग्वेज को सीखना पड़ता है. सीखते कैसे हैं हम, अगर हम बात करें बेसिकली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की. इंग्लिश लैंग्वेज हम कैसे सीखते हैं, इसमें सबसे पहले हमको सीखना होता है क्या, अल्फ़ाबेट्स. हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर सीखते हैं, जो भी होते हैं आपके ए टू जेड, वो सारे अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं. उसके बाद हम क्या सीखते हैं, वर्ड्स मेकिंग सीखते हैं. वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स को सीखते हैं हम. फिर उन वर्ड्स का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं. सेंटेंसेस क्रिएट करने के बाद हम पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम कम्युनिकेट करते हैं. उसी तरह से जब हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि है हमारी सी लैंग्वेज हम जो पढ़ने वाले हैं. तो अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस फॉलो होगी. सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है आपको, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा उसके कैरेक्टर्स.
ओके, कैरेक्टर सेट्स क्या है इसमें मैं आपको बताऊंगी अभी। कैरेक्टर्स के बाद में आपको फिर सीखना होगा टोकन्स, आप टोकन्स बनाना सीख जाएंगे। फिर देन उसके बाद आप सीखेंगे स्टेटमेंट्स, टोकन से आप क्रिएट कर सकते हैं क्या, स्टेटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन स्टेटमेंट्स से, स्टेटमेंट्स को और हम क्या कह सकते हैं, जस्ट इंस्ट्रक्शंस। ओके, इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम में, इंस्ट्रक्शंस हम क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद में हम क्रिएट करते हैं हमारा प्रोग्राम, जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जो हम वर्क करवाना चाहते हैं कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम कोई भी वर्क करवा सकते हैं, ये प्रोग्राम हमें क्रिएट करना होता है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टर सेट्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो होता है यहाँ पे अल्फाबेट्स। ओके, अल्फाबेट्स होते हैं। अब अल्फाबेट्स भी यहाँ पे टू टाइप्स के यूज होते हैं। एक तो होता है कैपिटल लेटर, मतलब ए टू जेड जो यूज होते हैं वो, ए टू जेड। और सेकेंड होता है स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। ओके, ये अल्फाबेट्स यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर कैरेक्टर सेट में डिजिट्स। ओके, अब ये जो डिजिट्स हैं, ये आपकी सिंपल जो डिजिट्स होती हैं 0 to 9, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं मैथमेटिक्स में। 0 to 9 यहाँ पे यूज़ होती है, 0 to 9 से ही अदर नंबर्स हम बनाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड कैरेक्टर सेट्स में स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स, अब ये स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे स्पेशल सिंबल्स में आपका आ गया एस्ट्रिक, ओके, डॉलर साइन, एम्परसेंट, लाइक दिस, ये कुछ भी स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं आपके, कर्ली ब्रेसेस हो सकते हैं, पैरेंथेसिस हो सकते हैं, एटसेट्रा, ये सभी होते हैं, ये होते हैं आपके कैरेक्टर सेट्स। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं टोकन्स की। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में अल्फाबेट से वर्ड्स क्रिएट करते हैं, उसी तरह से कैरेक्टर सेट से सी लैंग्वेज में हमें टोकन क्रिएट करना होता है। टोकन का यूज़ हम इंस्ट्रक्शन क्रिएट करने में करते हैं, और इंस्ट्रक्शन से फिर हम आगे प्रोग्राम बनाते हैं। तो टोकन्स आपके फोर होते हैं, फोर टाइप्स के, यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्स्टेंट टोकन, कॉन्स्टेंट टोकन। अभी जो कॉन्स्टेंट टोकन्स होते हैं, इसमें ऑल टाइप कॉन्स्टेंट्स, इसमें नंबर्स आ सकते हैं, डिजिट्स, वेरिएबल्स, कैरेक्टर्स एंड लाइक दिस, हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है यहाँ पर वेरिएबल टोकन, वेरिएबल टोकन। ओके, तो वेरिएबल टोकन में ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम यूज करते हैं। फिर थर्ड टाइप होता है आपका ऑपरेटर टोकन, सी में ऑपरेटर टोकन। ऑपरेटर टोकन में हम ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स लेते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं। इसमें सी में कुछ सिंटेक्स वगैरह हैं, ये सभी हमको यूज करना होता है। फिर फोर्थ है कीवर्ड टोकन, कीवर्ड टोकन। ओके, ये फोर टाइप्स के टोकन्स होते हैं, इनका यूज करके हम इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और फिर देन उसके बाद हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। अगर हम बात करें कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको जस्ट सिंपल बताया कि कैसे सीखते हैं हम सी लैंग्वेज को, यहाँ पे बात करते हैं सी लैंग्वेज है कैसी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। सी क्या है आपकी, सी इज़ अ जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है।
जिसका यूज करते हैं हम, एंड इट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है एंड सिंपल भी है एंड फ्लेक्सिबल है यूज करने में. ओके, फिर नेक्स्ट है, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है यहाँ पे जस्ट सिंपल सिंटैक्स यूज करना. ओके, तो अब ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज में हम पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस और फिर हम उसका यूज करते हैं कंप्यूटर से वर्क परफॉर्म करवाने में. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सी इज अ बेस फॉर प्रोग्रामिंग. सी क्या है? बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मीन्स इफ यू नो सी, यू कैन इजीली ग्रास्प द नॉलेज ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ सी. आप कोई भी अदर लैंग्वेज, अगर आप सी लैंग्वेज सीख जाते हैं उसका बेसिक, तो आप कोई भी अदर लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. मैं यहाँ पे जस्ट आपको बताऊंगी कि जो सी लैंग्वेज है वो, सबसे पहले तो हम बात करें सी लैंग्वेज बनाई किसने है. ओके, तो यहाँ पे ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनिस रिची. ये यहाँ पे मैंने उनका पिक्चर भी लगा के रखा है. डेनिस रिची थे, इन्होंने ही, उनकी एक लेबोरेटरी थी. कौन सी लेबोरेटरी थी? बेल लेबोरेटरी. यहाँ पर इन 1972 में इन्होंने सी लैंग्वेज को क्रिएट किया था और इसके पहले भी इन्होंने किया था कुछ लैंग्वेजेस. इट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम एल्गोल, BCPL एंड बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, आगे देखते हैं हम. अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स की हम बात करते हैं अगर, तो इसके फीचर्स में सबसे पहला है सिंपल एंड एफिशिएंट. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये. ओके, इसमें जो सिंटैक्स जो रहते हैं इसके या इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम इंग्लिश फॉर्मेट में यूज़ करते हैं. जैसे हम पहले असेंबली लैंग्वेज या दूसरी अदर मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो बाइनरी में उसकी कोडिंग होती थी, बट इसमें हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये यूज़ के लिए बहुत ही सिंपल है. फिर नेक्स्ट है फास्ट स्पीड. इसकी जो स्पीड होती है, प्रोग्राम जो हम बनाते हैं, हमें आउटपुट मिलता है, ये बहुत ही फास्ट स्पीड से हमें आउटपुट देता है. फिर नेक्स्ट है मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबिलिटी. अब मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है कि जो सी लैंग्वेज है मशीन पर डिपेंडेंट नहीं है. मतलब अगर हमने इसमें किसी एक सिस्टम पे प्रोग्राम बनाया है तो उसको हम किसी अदर सिस्टम पर भी कॉपी करके रन कर सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं. ओके, यही होता है पोर्टेबिलिटी भी. पोर्टेबिलिटी यही है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम इसे रन कर सकते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है फंक्शन रिच लाइब्रेरी. जो सी लैंग्वेज होती है इसकी इनबिल्ड लाइब्रेरी होती है, उसमें लॉट्स ऑफ फंक्शंस इनबिल्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं. नेक्स्ट है डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट. अब जो ये सी लैंग्वेज है वो मेमोरी को डायनेमिकली मैनेज करती है. कैसे? अगर हमारे पास मेमोरी में स्पेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन होता है फ्री फंक्शन, उसे हम कॉल करते हैं और जस्ट हमें स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये क्या है? एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बट ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ फीचर्स को यूज़ करती है. ओके, नेक्स्ट है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये. मीन्स हम एक प्रोग्राम को क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस डिवाइड कर देते हैं. अब इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंटर्स. पॉइंटर्स भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पॉइंटर्स की हेल्प से हम डायरेक्ट मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है रिकर्शन. रिकर्शन में क्या होता है, इसका नेक्स्ट फीचर जो रिकर्शन है, इसमें हम फंक्शन विद इन फंक्शन कॉल कर सकते हैं. एंड लास्ट पॉइंट है एक्सटेंसिबल. सी जो लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सटेंसिबल है, ये हमेशा न्यू फीचर्स को अडॉप्ट कर सकती है. ओके, तो ये कुछ था थोड़ा सा इंट्रो अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आगे के लेक्चर में हम और डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स को. ओके.
तो थैंक यू।